ये घुसा हुआ पता नहीं क्या प्लेट टाइप का, ये प्लेट है क्या ये भाई साहब? तो बड़ा खतरनाक सी चीज है ये। ये देखियो भैंस की टाट, ये घुसा हुआ था। देख रहे हो बहुत हार्ड है, नए टायर है यार अभी देखो ना। हाँ भाई फेंक दो क्या, दूसरे टायर में लगाने गए। अगर ज्यादा बड़ा कट अंदर से होगा तो एक पैच लगाना पड़ेगा, उसको बाद में मटर पंचर लगाना पड़ेगा। चलो तो देखो तो सही पहले। अभी हूँ मैं श्री फोर्ट पे, श्री फोर्ट के आगे जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल वाला, नहीं तो हो रहा भाई। नॉर्मल वाला पंचर इसमें टिकता नहीं क्योंकि बहुत ही खतरनाक सी चीज़ थी वो, पता नहीं कीला टाइप का था वो, नया टायर था, नया टायर फाड़ दिया भाई, इतनी नोकीली चीज़ थी। बाकी मशीन में खुलेगा भी टायर, ये दिखाओ। ये तो कट लग गया हुआ है, ये देखो ये तो कट लग गया हुआ है। हाँ और इधर ये देखो, ये पूरा एक जगह जगह पे छेद कर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे कट लगा हुआ है, कट तो यहाँ पर है। ये देखिए कट तो ये तो इससे कुछ हो जाए, इससे कुछ ज्यादा थोड़ी घिसाया, हल्की तो है, इसको छोड़ दो ना, इसको छोड़ दो और हल्का ही बहुत तो है। दिक्कत है क्या इससे, दिक्कत है क्या कहीं इधर से भी? बारीक पंचर लीकेज, बारीक लीकेज हो सकता है, अगर पेच लग जाता तो ज्यादा सही रहता है। 300 में जाएगा ना वो, क्योंकि मैंने 250 का लगवाया था, मैंने 7-8 पंचर लगवाए थे भाई से। 300 रुपये दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। कैसा पेच लगाओगे दिखाने एक बार जरा। हाँ पहले ये लगेगा। हाँ उसके बाद ये लगेगा, ये तो मशरूम पंचर जहाँ पे कटा हुआ है वो लगेगा। हाँ। और जहाँ पे जो छिलके है ये है ना, ये लगेगा। हाँ। तो कट भी अच्छी हो जाएगा। हाँ। और ये पूरा फिक्स हो जाएगा। चलो कर दो, क्या भाई अच्छा ही है भाई, भाई अगर अच्छा वीडियो ना, मेरी शक्ल नहीं आ रही भाई। तो धुआं धुआं कर दिया पूरा, कितना ज्यादा तो नहीं खींच दिया? नहीं नहीं भाई, जितना फिक्स रहेगा उतना ही लगेगा। बढ़िया से लगा दें, दिक्कत ना हो मेरे को बाद में ना। कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, पूरा लाइफ टाइम हो जाएगा यहाँ से, तो कभी दिक्कत ही नहीं है। अलग पंचर हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। मेरा दुकान 24 घंटा चालू रहता है। नहीं वो तो पता है मेरे को भाई, पहले तो थोड़ी ना आ रहा हूँ। और ये कहाँ लगेगा? ये इसके ऊपर लगेगा, इसी के ऊपर। जैसे इधर भी आती है हुआ है ना। हाँ। ये सब ऐसे पंचर लगा, अभी कटेगा इतना, जितना फालतू बार आ गया इतना कटेगा।
ये साइड में लगेगा है। फेरी किक है अभी फेरी किक है क्या ये क्या चूरन से डाल दिया इसमें चल रहा है यहाँ से निकला पंचर हाँ भाई दो पंचर और निकले हैं बारीक बारीक से। एक तो ये रहा गुब्बारे छोड़ रहा है और एक ये रहा। इसी सुनो ये मशरूम वाले के रेट सही लगा लो, ये भी लगा देना मशरूम वाले भाई। 250 रुपए के हिसाब से दे देना भाई हैं। 250 रुपए के हिसाब से दे देना है। तो 750 जाएंगे उसका 300 रुपए ले उसका 300 ले तो ऐसा नहीं था यार, मैंने पहले भी तो लगवाया है। नहीं ना भाई, जो देखो ये है ना है। ये 300 का भी लगता है, ये 300 ही का लगता है। भाई चल जाएगा ना पक्का, देख लो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। कितना है? 200 रुपए का। 250 रुपए देना पड़ता है कर लो ना यार, जस्ट यार है 200 ले लेना, 300 हाँ कर लो यार, यही लगा दो। मैं सोच रहा हूँ मजबूत काम हो जाए अपना, 200 300 और 400 700 रुपये होगा भाई, देख रहे हो 700 रुपये का पंचर लग गए। तो इसमें छेद करेंगे, सात सौ रुपये भाई देख रहे हो। भारी नुकसान हो गया भाई आज तो, ये रहा ना वो रहा। अरे रिम पे मार दो ना ऐसे करके। नहीं ना भाई, वो टायर खुल जाएगा ना। अच्छा पता कैसे लगेगा फिर तुम्हें? लग रहे हैं छोटे वाले मशरूम, पहले लगा बड़ा मशरूम, अब लगेगा छोटा मशरूम। मशरूम बहुत महंगा हो गया।
तीनों पंचर बिल्कुल कट पे लगे हैं। दूसरी जगह तो घुसे रही नहीं है। हाँ? दूसरी जगह तो घुसे रही नहीं। तो भाई पंचर लग चुका है अपना, 700 रुपये का पंचर लगवाए हैं भाई। देख रहे हो इतने महंगे महंगे पंचर हो गए हैं, एक ज़माने में 50-50 रुपये के पंचर लगते थे। तो निकल चुके हैं भाई, अपन है चिराग दिल्ली पे और जा रहे हैं घर। और आज है 31 दिसंबर, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं है आज। आज आराम से अपना घर पर रहेंगे, खाना वाना खाएँगे, सो जाएँगे। तो भाई अभी हम आ चुके हैं मूलचंद, पराठे वाले जा रहे हैं, पार्टी दे रहा है ये, नए साल की पार्टी दे रहा है। मैं तो दे नहीं सकता क्योंकि है कुछ रीज़न, पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है इधर। तो लगा ले इसके सामने, नहीं लगा दो बगल में इसके, जल गया बैठ के आराम से खो लेंगे। मैं यहीं खड़ा हूँ, वेट कर, अंदर लगा दो, अंदर दबा दो, मुझे तो दबा दे, ठीक है ना, इधर चलो भाई। क्या क्या ला रहा है फिर? चल बाहर चल। चल